friends, subscribe the Ask Technology channel and hit the bell icon to get all new updates about Ask Technology's informative videos. हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आज टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है, किस किस प्रोजेक्शन में बनाई जाती है, किस किस एंगल में बनाई जाती है, ऑल अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आई फ्रेंड्स, ड्राइंग के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम बैक टू द बैंक। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग में हमारे पास दो टाइप के स्केचेस होते हैं। एक होता है टू डायमेंशनल स्केच, एक होता है थ्री डायमेंशनल स्केच। मतलब कि टू डायमेंशनल ड्राइंग और थ्री डायमेंशनल ड्राइंग। तो टू डायमेंशनल ड्राइंग में क्या होता है, टू डायमेंशनल ड्राइंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट की दो डायमेंशंस होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस में, जैसे कि उसकी लेंथ या विड्थ हो गई। और थ्री डायमेंशनल स्केच में हमारे पास उसमें तीन डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई के साथ जेड डायरेक्शन में भी, जैसे कि लेंथ, विड्थ और उसके साथ उसकी डेप्थ या हाइट हो गई। तो फ्रेंड्स, जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन टाइप के प्रोजेक्शंस आते हैं। एक आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक होता है हमारा ओब्लिक प्रोजेक्शन, एक होता है हमारा प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पे टिल्ट होता है दोनों तरफ से। और जो हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट का एक फेस तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अलाइन होता है और दूसरा फेस जो होता है वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट होता है। और जो हमारा प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता है वो सिमिलर होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के, बट उसमें क्या होता है, वो हमारा 30 डिग्री पे टिल्ट नहीं होता हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में और प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तो हमारा ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे टिल्ट होता है और जो प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता है उसमें 30 डिग्री पे टिल्ट नहीं होता है। अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो अगर उसमें हम किसी भी एज से कोई लाइन प्रोजेक्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में तो वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, जबकि जो हमारा प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है उसमें लाइंस वो पैरेलल नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद 2D में बात करते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारा कोई 3D स्केच है या फिर हमारा कोई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, उसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इस तरह से कई व्यूज़ को शो करते हैं 2D में। उससे क्या होता है, उससे हमें हर एक व्यू में जो जो डायमेंशन होती है इंपॉर्टेंट वो ईजिली दिख जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्राइंग हम दो एंगल्स में ड्रॉ करते हैं, एक होता हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक होता हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का साइन इस तरह से होता है और जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसका साइन इस तरह से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए ये जानते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वाड्रेंट दिखा रखे हैं, ये जो हमारे मैथमेटिक में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एग्जैक्टली उसी तरह है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जब हम उसमें उसके व्यूज प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू वाई एक्सिस पे आएगा और जो उसका टॉप व्यू है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे हम शो करने के लिए किसी भी शीट पे 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे हम उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इस एंगल को शो करना चाहते हैं, इस ड्राइंग को शो करना चाहते हैं एक फ्लैट शीट पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रोटेट करना पड़ेगा, तभी हम उसे सीधा दिखा पाएंगे 2D में। तो इस तरह से इसका फर्स्ट एंगल का सिंबल बनता है और सिमिलरली इसी तरह से इसका थर्ड एंगल का सिंबल बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि हम सेकंड एंगल में और फोर्थ एंगल में ड्राइंग क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं। तो उसका एक इजी सा आंसर है कि उसमें जो हमारे व्यूज़ होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। बट ओवरलैप क्यों कर जाते हैं, तो उसके लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसके हम व्यूज़ देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू बनेगा हमारा वाई एक्सिस पे और जो इसका टॉप व्यू बनेगा एक्स एक्सिस पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो रोटेट होता है 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो इसके व्यूज़ ओवरलैप कर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम सेकंड एंगल में ड्राइंग ड्रॉ नहीं करते हैं। और इसी तरह एग्जैक्टली फोर्थ एंगल में भी इसके व्यूज़ ओवरलैप कर जाते हैं। तो अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम एज्यूम करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाय करता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में, और जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसमें। तो उसमें कुछ इस तरह से व्यूज़ निकल के आते हैं, जो उसका फ्रंट व्यू होता है वो सबसे पहले ऊपर बनता है, उसके बाद नीचे उसका टॉप व्यू बनता है और साइड व्यू जो होते हैं उसमें वो फ्रंट के साइड में ही हमेशा साइड व्यू बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनता है और जो राइट साइड व्यू होता है वो लेफ्ट में बनता है। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या अज्यूम करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और जो
हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में लाया करता है, और जो उसका प्रोजेक्शन प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें कुछ इस तरह से व्यूज़ निकल के आते हैं कि जो उसका टॉप व्यू होता है वो सबसे पहले ऊपर बनता है, उसके बाद फ्रंट व्यू उसके नीचे बनता है, और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में ही बनता है, और जो राइट साइड व्यू होता है वो राइट साइड में ही बनता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, व्यूज़ कैसे कैसे कहाँ बनते हैं, बट इसे ध्यान कैसे रखें, इस बात को हम याद कैसे रखें। तो उसके लिए जैसे कि मैं ध्यान में रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ कि कैसे मैं इसे आइडेंटिफाई करूँगा, उसी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है वो एकदम सिंपल होता है, एकदम ईजी होता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है वो एफ लेटर से स्टार्ट होता है, और जो हमारा फ्रंट होता है वो भी एफ लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो इसमें फ्रंट व्यू है वो सबसे पहले ऊपर बनेगा, उसके बाद नीचे टॉप व्यू बनेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू हमेशा राइट में बनेगा। इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो जो हमारा थर्ड वर्ड होता है वो टी लेटर से स्टार्ट होता है, और जो टॉप होता है वो भी टी लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब जो इसमें टॉप व्यू है वो हमेशा ऊपर बनेगा सबसे पहले, उसके बाद फ्रंट व्यू टॉप के नीचे बनेगा, और ये एकदम सिंपल होता है तो इसमें लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में ही बनता है, और जो राइट साइड व्यू होता है वो राइट में ही बनता है। तो फ्रेंड्स ये सब था इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शंस के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ड्राइंग एंड टेक्निकल।